हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एज जर्नी। आज के वीडियो में हम आपके साथ एक टेबल की असेंबली कर रहे हैं, वो शेयर करने वाले हैं। तो हमने मंगवाई है टेबल, कौन सी है, फ्लेक्सी स्पॉट की स्टैंडिंग टेबल। फ्लेक्सी स्पॉट की टेबल नॉर्मल टेबल नहीं है, वो देंदो टेबल है, मींस इलेक्ट्रॉनिक टेबल है जो ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, अप एंड डाउन आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो वो जो है वो टेबल का टॉप है और नीचे लेग्स रखे हुए हैं, तो उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम। वीकेंड है तो उसको आज पूरा कंप्लीट बना देंगे। और इधर स्क्रू ड्राइवर भी हमने ऑर्डर कर लिया है, इसका ड्रिलर एंड ड्राइवर सब ऑर्डर किया है। मैं आपको सारा सामान दिखाऊंगा कि क्या क्या जरूरत है। हाँ, मैंने भी ऑनलाइन सर्च किया है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर गाइड दे दूंगा कि जिसे आप खुद घर पे भी सेटअप कर सकते हो। और ये टेबल मैंने कहाँ से परचेस की है, ऑनलाइन जापान में, और हम लोगों को कितना डिस्काउंट मिला है वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिए, और हम अभी फटाक से हमारा लंच करते हैं और फिर इसकी अनबॉक्सिंग करके असेंबली करते हैं। ठीक, तो मैं आपको लेके चलती हूँ लिविंग रूम में, जहाँ पे हम असेंबली करने वाले हैं। ये है लिविंग रूम, और अभी हम लोग अभी हितेश का टेबल ये हमने सेटअप कर रखा था, ये है डाइनिंग टेबल। बट यहाँ पे जापान के घरों में ना स्पेस बहुत कम होती है अपार्टमेंट में, तो इसी को हम एज ऑफिस डेस्क यूज कर रहे थे। चेयर का वीडियो, अनबॉक्सिंग वीडियो तो पहले ही बना चुके हैं हम, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अभी यहाँ पे असेंबली करते हैं हम फटाफट से। अब हम लिविंग रूम में आ चुके हैं और ये मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है। अब मैं आपको एक एक करके सब बता देता हूँ। बी अश्योर्ड आई विल पुट ऑल द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। तो देंदो ड्राइवर, इसको इंग्लिश में आई थिंक इलेक्ट्रिक ड्राइवर बोलते हैं, मेरा फर्स्ट टाइम है। तो लेट्स सी, मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा भी खरीद लिया, मैं टेस्टिंग करूँगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये ट्राई किया है, ड्रिल 6 mm एंड 3 mm मुझे आना होल के लिए चाहिए रहेगा। ये इसके साथ आया था, ये बिट्स बोलते हैं इसको, तो ये मुझे कसने के टाइम पे लगेगा। लेकिन इसमें सिर्फ 4 mm का ही स्क्रू का ये वाला है, तो मैंने एक्स्ट्रा DCM जाके ये मैंने लिया है। ये चीज़ें मैंने ऑनलाइन ख़रीदी है, ये मैंने राकतेन सुपर सेल से लिया, ये मैंने अमेजोन से लिया, ये मैं DCM से लेके आया। और ये बैंड्स बांधने के लिए केबल्स को, ये मैंने लिया है सीरिया से। ये बॉन्ड ग्लू लकड़ी में जो अपन होल करेंगे, होल में थोड़ा डालने के लिए ताकि टाइट हो जाए ग्रिप। और टैब, मेजरिंग टैब, नॉर्मल टैब चिपकाने के लिए, एक पेन, और इसको बोलते हैं ओनीमेनाट तो इन जापनीज। ये मैंने लिए हैं ताकि मुझे बाद में असेंबल डिसेंबल करना रहे तो कोई दिक्कत नहीं रहे। नॉर्मली जो लकड़ी में आप नेजी स्क्रू लगाते हैं वो निकालना मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास इस टाइप के नट नहीं हो, तो नहीं तो आपकी वो बोर्ड लकड़ी टूट सकती है। नॉर्मल डायसन का वैक्यूम क्लीनर, ये मैंने पहले सुपर सेल में लिया था राकुतेन की, मैं लिंक इसकी भी डाल दूंगा। और ग्लव्स, सेफ्टी ज़रूरी है। एक बच गया, ये जो है एक्स्ट्रा स्क्रू कसने के लिए है, बहुत सारे टाइप के पेचकस वगैरह। नॉर्मली शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट देखते हैं। सो, अब मैं आपको दूसरा सामान बताता हूँ, इसको हटा देता हूँ और दूसरा बताता हूँ कि ड्रेस का के साथ क्या क्या आया है। तो ये है पूरी मशीन का सामान। फ्लेक्सी स्पॉट मैंने ऑर्डर करी है E8 वर्जन, इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसका राउंडेड वाला पिलर है, ये पिलर्स हैं, ये मुझे सुपर सेल में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिला हुआ है। इसका मशीन है ऊपर नीचे करने के लिए, बटन लगे हैं, मेमोरी फंक्शन है, लॉक है, और मैं बाद में बताऊंगा सब कुछ इसके बारे में जब पूरी बन के तैयार हो जाएगी। स्क्रूज, ए टाइप के स्क्रू मैंने ऑलरेडी इसमें लगा दिए हैं, तो ये जो बीम दिख रही है आपको, ये सपोर्ट ऑलरेडी मैंने लगा दिया है। ये मशीन है, मोटर है, और वो मोटर के केबल इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेंगे, बाद में बताऊँगा। और ये शायद कवर करने के लिए, और ये एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये ट्रे है एक्स्ट्रा जो मैंने ली है। नॉर्मली आपको एडजस्टर मिलेंगे इस टाइप के, लेकिन मैंने ये टायर टाइप लिए हैं, मुझे इसमें प्रॉब्लम होगी क्योंकि मशीन, ये जो टेबल है बहुत भारी हो जाएगी, और रूम में इजीली मूव करने के लिए मुझे इनकी ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा ख़रीदे हैं।
ये फ्लेक्सी स्पॉट के ही है ये, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डर करे हैं, आपकी डेस्क के साथ टेबल के साथ नहीं आई है। चेक करके लगा के देख लेते हैं कि नॉर्मली मुझे ड्राइवर थ्रीलर यूज करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद ट्राई करेंगे। ये जो पॉइंट मैंने कर रखा है इसके सेंटर पे अपन करते हैं, दो चार छः आठ कर दिए हैं, अभी बीच में दो ये चार करना है जो मैंने मार्क किए हुए हैं। मुझे डर भी बहुत लग रहा है। तो हियर यू कैन सी कि हमारे जो चारों यहाँ पे होल जो थे जितने भी इधर सेंटर में और इधर, वो होल तो अच्छे से हो गए हैं थैंक गॉड। तो इसका बहुत ज़्यादा डर लग रहा था हम लोगों को कि पता नहीं सही से होंगे या नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ऐसा, मतलब ज़्यादा हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है इसमें कि असेंबली भी खुद ही करना और DIY भी। तो ये गाइडेंस बुक आई थी साथ में, इसकी हेल्प से भी हम कुछ कर रहे हैं थोड़ा देख देख के। तो ठीक है, इसका ये बेस जो बनना था, वो बेस के लिए जो होल होने थे वो हो गए। अब इसको हम फिक्स करते हैं और आगे की प्रोसेस करते हैं। तो ये मैं जो मैंने ये नेची बुलवाए थे मैंने स्क्रूज, ये मैं अभी सारे जो भी मैंने होल किए उनमें लगा रहा हूँ। इसके साथ जो आए हैं वो एक्चुअली वो वाले हैं डायरेक्ट पट्टिये में लगाने वाले। ये नॉर्मल मेरा है कि मैं इसको बस ऐसा हाथ से भी टाइट कर सकता हूँ तो भी चलेगा, और जब मन कर रहा उसे निकाल दिया। इसलिए तो मैंने DIY किया, क्योंकि अगर हम घर कभी डिसेंबल करना चाहें तो हम उसको कर सकते हैं। ये नॉर्मली ये हाथ से लग जाएंगे। मैं कुछ हेल्प करूँ क्या? नहीं, मुझे लगे कि तुम्हें बता दूंगा। अभी तो बस ऑलमोस्ट काम हो गया है, बस वो दे दो ड्राइवर से, इलेक्ट्रिक ड्राइवर से, मुझे बस इनको बोल्ट को एक बार टाइट करना है। ओके। जब मैंने हाथ से लगा दिया तब तक हिले नहीं लोकेशन उसकी, उसके बाद बस एक 5 मिनट का काम है, फिर ये मेरे रेडी है, फिर मुझे बस मोटर। फर्स्ट टाइम है और मुझे धोखी धोखी बहुत हो रहा था, मेरा धक धक बहुत हो रहा था दिल। लेकिन दोस्तों मैं तो अभी बैठी हूँ आराम से, टी ब्रेक ले लिया था तो मैंने चाय बना दी थी, और मैं कुछ हेल्प करती हूँ। जैसे कुछ सीजर चाहिए या फिर कुछ भी नट्स वगैरह चाहिए तो साइड में से उठा के देना, ऐसे साइड वाली हेल्प कर रही हूँ मैं। समझ रहे हो ना? बाकी ये जो मेन टास्क है वो हितेश का है, क्योंकि मैं बीच में ज्यादा जा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि ऐसे काम लगेगी, क्योंकि वो जो मोटर आपको दिख रही है बीम्स, ये बहुत भारी है। हाँ, लेकिन ऐसे जो मेन टास्क है जैसे ड्राइवर से होल करना है, उसमें नट वगैरह फिक्स करना है, वो सारे काम मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे काम है ना, कभी कभी क्या होता है कि दो लोग करते हैं तो खुद मुश्किल हो जाता है। अकेले करने में अपने खुद के हाथ का काम किया है DIY का, तो वो अच्छे से हो जाता है। अभी इलेक्ट्रिक ड्राइवर में ऐसा यूज कर रहा हूँ कि बहुत फास्ट हो जाता है इससे,
मुझे हाथ से नहीं घुमाना, नहीं तो मेरे हाथ बहुत दुखेंगे। ये टाइट किया और आप देखते जाइए कैसा लगता है। तभी मैं पहले बीच के नहीं, पहले चार लगा देता हूँ कोने की तरफ के। तो जैसे कि ये लगाया और तो इसको पूरा असेंबल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो आप लोग जिसको ये टेबल मंगवानी है या फिर करना है असेंबली, वो लोग तो पूरा वीडियो देखना, और जिसको नहीं ऑर्डर करनी है वो लोग भी देखना कि हम लोगों ने कैसे कितनी मेहनत करी है और फाइनल इसका जो आउटपुट है वो कैसा आता है। तो आप लोग भी बिल्कुल स्किप मत करना वीडियो को। और इधर हितेश को पूछते हैं कैसे, क्या मेहनत वाला काम लग रहा है, कैसे फीलिंग आ रही है एज अ क्या बोलते हैं कारपेंटर। हाँ, मुझे सही में कारपेंटर वाली फीलिंग आ रही है। बस मैं सोच रहा हूँ कि ये साइड बिजनेस चालू कर दूँ यहाँ पे। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? हाँ, क्योंकि जापान में इसे नॉर्मली ना कारपेंटर वगैरह आप लोगों को बहुत ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, मतलब मिल तो जाते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसे काम कम होते हैं। चार्जेबल तो ऑब्वियसली बातें रहेंगे, हाँ, बट यहाँ पे ऐसा है कि सारे DIY वाले काम और असेंबली वाले काम जहाँ तक हो सके खुद ही लोग करते हैं घर पे। और स्पेशली अगर ऑनलाइन आप ऑर्डर कर रहे हो तो आपको खुद ही करना होता है। तो बस चलते हैं आगे, काम करते हैं और फाइनल आउटपुट आपको बताते हैं। और ये अब हम लगा रहे हैं मोटर। इसके लेग्स मोटर, बीम एंड मोटर। ओके, इसकी बीम और मोटर, ड्यूल मोटर का है। हाँ, ये दोनों साइड इसकी मोटर लगी हुई है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग टेबल है। और ये क्या है बीच में जो ये पावर अडैप्टर पास करने के लिए, ड्यूल मोटर है ना, तो वो सब एक्स्ट्रा कनेक्शन पास करने के लिए। तो ये टू मोटर और थ्री लेग्स वाली है टेबल, तो यहाँ पे इसके थ्री लेग्स ओपन होंगे जो कि अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे चार होल है और वो डी कलर के डी टाइप के स्क्रू लगाने का बोल रहा है, M16 के। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप 7000 येन फ्लेक्सी स्पॉट कंपनी को दे सकते हो और ये सर्विस आप हासिल कर सकते हो। लेकिन वो मालूम क्या करते, उनका खुद का ड्राइवर सब लेके आएंगे, आपको कुछ नहीं खरीदना है। लेकिन वो क्या करेंगे सीधा मैं आपको बता देता हूँ ना। ये स्क्रू देखिए, ये नट्स जो हैं डायरेक्टली ये होल करने वाले हैं, ये टाइट करने वाले नहीं हैं। ये डायरेक्टली आपके पट्टी में होल करेंगे और अंदर घुस एक बार में फिक्स हो जाएंगे, इसको बाद में खोल नहीं पाओगे। मुझे इसको बाद में खोलना है, कोशिश किया भाई मूव कई जगह मूव हुए तो उस टाइम पे ये सब करना पड़ेगा, तो इजीली मैं उसको डिसअसेंबल कर पाऊंगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एडजस्टर, ये अगर लगा दिया तो मूव नहीं कर पाओगे आपकी टेबल, इसलिए मैंने वो रोलर दिया। That's why we have ordered this one. Rollers. ये केबल अभी लगा दी है, इसको सही करके इसका केबल ट्राई कर लो, इसको ऐसा लगाना है। तो अब हमें ये निकालना है और ये लगाना है। रुको जरा, सबर करो। तो ये अभी डेस्क सेटअप हो चुका है, नीचे हमने ये अभी लगाया नहीं है इसकी मोटर, ये कंट्रोलर। ये मैं स्क्रू नहीं कसना चाहता हूँ तो मैं एक मैग्नेटिक शीट प्लान कर रहा हूँ, वो बाय करूंगा और उसकी प्लेट से मैग्नेटिक से टच कर दूंगा। हाँ। लगा दो, बताओ लोकेशन एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ लगाना है कहीं बीच में लगाना है। हाँ। और अभी तो इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा लेकिन ये टच पैनल है तो अभी ऑफ में है। अगर मैं ये ऊपर जाने के लिए नीचे आने के लिए, ये मेमोरी लॉक का है और 1 2 3 4 करके ऐसे 2 3 मेमोरी लॉक कर सकते हैं। यहाँ से USB चार्ज करने का है तो फोन वगैरह भी इसमें चार्ज कर सकते हैं आपके। Okay. और ये हमारा फाइनल सेटअप, लेकिन अभी इसमें कुछ चीजें बाकी है लेकिन ऐसा रहेगा इसका लुक। तो चलो अभी बताते हैं कि ये कितनी ऊपर जाए कितनी नीचे होगी। हाँ, इसको हम इसकी हाइट एडजस्ट करते हैं।
मिनिमम 62.5 ये जो है मिनिमम हाइट रहेगी, इसे नीचे नहीं जाएगी। हाँ, ड्यूअल मॉनिटर है और 3 बीम है, तो मतलब अब मैं ऊपर वाला करूंगा तो आप देखिए कितनी ऊपर जाती है। मैं नॉर्मल शायद इतने पे काम करूंगा, 105-106 तक आएगी, इतना मेरा काम करने का अच्छा रहेगा खड़े होकर। और लेकिन ये और ऊपर जाती है, ये जाएगी 125 समथिंग तक जाएगी, 128, सो 128 तक इसकी मैक्सिमम है आई थिंक सेंटीमीटर। ये देखिए 3 बीम एंड ड्यूल मोटर यहाँ पे दिख सकता है। और अब हम लोग इसकी प्राइस की बात करें तो ये इसकी एक्चुअल प्राइस है, जो स्टैंडिंग डेस्क इसकी पूरी की जो प्राइस है वो 80,000 येन है, लेकिन हम लोगों ने राकुटेन सुपर सेल से ली है तो उसमें इसकी प्राइस 55,000 येन समथिंग थी, 55,440। तो लेकिन उसमें 2,000 का कूपन मिला हम लोगों को और 5,000 हमारे जो पॉइंट्स थे वो यूज किए। तो ऐसा करके हमको कितने में पड़ी, 48,440। हाँ, तो मतलब 80,000 से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट हाफ हाफ प्राइस में पड़ी है। तो आप लोग भी अगर जापान में रह रहे हैं तो राकुटेन की वेबसाइट पे सुपर सेल, वैसे अभी तो नहीं चल रही है बट गोल्डन वीक पे आने वाली है, तो सुपर सेल से आप परचेस कर सकते हैं। और ये हमने इस तरीके से सेटअप किया है कि अभी बोर हो जाए, कुछ अच्छा नहीं लगे तो इधर उजाले के लिए या फिर बाहर सीनरी के लिए पर्दा खोल दें, फिर कर्टेंस हटाने के बाद व्यू अच्छा हो जाएगा खड़ा, और उसमें थोड़ी लाइन लाइट आ जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो असेंबली करने का। आई होप आप लोगों को ये डेस्क का सेटअप हमारा और आज का ब्लॉग पूरा पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।